अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 संस्थाएं सामने आई हैं, विवेकानंद ओपन एजुकेशन और शबाना एजुकेशन वेलफेयर की तरफ से गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जा रहा है। मुमरा बाईपास से सटे गांव देवी परिसर, अम्बेडकर पाड़ा, सैनिक नगर, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको इन संस्थाओं द्वारा पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया गया है। आपको बता दें कि आज शबाना शेख, रेहान पीतलवाला, डॉक्टर योगेंद्र कुलते ने ओपन स्कूल का उद्घाटन किया है। बच्चों को फ्री कॉपी, कलम, किताब वगैरह भी दी गई है। आपको बता दें कि ये गरीब परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए अब ये संस्थाएं सामने आई हैं, जो ओपन स्कूल का आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि इनके पढ़ाई की जो व्यवस्था की गई है और इनके पढ़ाई का खर्च बिल्कुल नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि इन्हें मुफ्त में पढ़ाया जाएगा और जो अच्छे पढ़ाई करेंगे बच्चे, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए भी इन संस्थाओं द्वारा जो है उनकी जिम्मेदारी ली जा रही है। इस पूरे ओपन स्कूल के उद्घाटन के बाद रेहान पीतलवाला, शबाना मैडम और योगेंद्र ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। शबाना मैडम क्या कहेंगे, जैसे कि आपकी एनजीओ ने आज यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत की, एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, क्या कहेंगे? ये विवेकानंद संस्था है, अनीता कुलकर मैडम और हमारी संस्था ने टाई अप किया है शबाना एजुकेशन फाउंडेशन। ये हम लोग ने स्टार्ट किया 1 साल से, हम लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा था कि हम लोग जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ करें। तो आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे प्रभात बाबू से मुलाकात की और उनकी जो बहू है यहाँ पे वो टीचर है, प्रीति मैडम, तो वो इन बच्चों को एजुकेशन देते। और जब ये बच्चे इनमें से पढ़ेंगे और जो बच्चे टैलेंटेड और बहुत अच्छे हैं उनको हम लोग स्कूल तक भी लेकर जाएंगे, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारी संस्था ही उठाएगी। मतलब ये बच्चे टोटली जो है फ्री रहेगा, बच्चों टोटल फ्री है ये, इनको बुक्स जो भी इनका एजुकेशन का लगेगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्कूल तो काफी खुलती है आप देखेंगे, लेकिन मेंटेनेंस के काम की वजह से जो है उसे बंद कर दिया जाता है। फिर आप नहीं, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि स्कूल ये बंद ना हो। हम लोग यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग यहाँ कंटिन्यू चक्कर लगाएंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ का एजुकेशन कैसा चल रहा है और जो चीजों की जो बच्चे ने स्कूल देखा ही नहीं है, वैसे भी बच्चे है यहाँ पर, तो हम उनको हर तरीके की पढ़ाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ के टीचर है प्रीति मैडम। रेहान भाई, आज जैसे कि स्कूल का एक उद्घाटन किया गया है, ओपनिंग की गई है, उसमें आप भी मौजूद थे, कितनी जरूरत थी अपने मुमरा शहर के ऐसे स्कूलों को, क्या बताइए आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एजुकेशन हमारी बुनियादी जरूरत है। हमारे जो बच्चे, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली बहुत वीकर सेक्शन से आते हैं और जो बच्चे छोटे होने की वजह से म्यूनिसिपल स्कूल्स तक भी नहीं पहुंच पाते, आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ओपन एजुकेशन और हमारे शबाना फाउंडेशन की जानिब से ये बच्चों के लिए एक पहल की गई है कि जितने भी बच्चे हैं जो लोकल इस गाँव देवी परिसर के, गाँव देवी मंदिर परिसर, सैनिक नगर और पानेरी पाड़ा, यहाँ पे जितने भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनके बच्चे जो किसी वजहवात से स्कूल नहीं जा पाते थे, जैसा कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है म्यूनिसिपल, वहाँ पर भी नहीं जा पाते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये ओपन स्कूलिंग के जरिए ऐसे सारे बच्चों को जो आज स्कूल नहीं जाते थे, हमने एक जगह लेकर एक प्रयास किया है कि इन सब बच्चों को हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जो है उस पर मेंटेनेंस बराबर नहीं होता, बंद कर दिया, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार है प्रभात देसाईकर साहब और जो भी हमारे लोकल लोग हैं, ये सारों का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ओपन एजुकेशन की वजह से जो हमारे मैडम है, शबाना मैडम जिनका ये शबाना फाउंडेशन है,
हमारे प्रभात देसाईकर साहब है जो यहाँ का मंदिर परिसर के जिम्मेदार है, मैं खुद और यहाँ के हमारे सारे मुकामी लोग, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो इनिशिएटिव आज ये मैडम की वजह से और प्रभात सर की वजह से लिया गया है इसको किसी तरीके से कैरी करें। और जब ये बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन यानी अगर ये इनका जो छोटा है सीनियर जूनियर का एजुकेशन पूरा हो जाए तब इनके अंदर जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है और जो जरूरतमंद बच्चे हैं हम इंशाल्लाह उनको स्कूल के अंदर भी एडमिशन प्रोवाइड करेंगे आने वाले वक्त में। ऐसे और स्कूल भी कोई देखने मिलेगा मुमरा में? ये एक जगह पर नहीं है, हमारे यहाँ पर 3 से 4 जगह टारगेट करा हुआ है। अभी फिलहाल आज गाँव देवी में और इसके बाद में देवी पाड़ा परिसर में हम ये शुरू करने जा रहे हैं, शिलफाटा में भी। तो इसी तरीके से जहाँ हमको जरूरत लगेगी कि जिस तरीके से जहाँ पर बच्चों का जमावड़ा है, अंडर प्रिविलेज आबादी है और जहाँ पर हमारे को कसी तादाद में बच्चे मिलेंगे हर उस जगह पर हम इसी एजुकेशनल ओपन एजुकेशन की क्लासेस चलाएंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर योगेंद्र कोलते। कैसे पढ़ाई होगी? ये जो है ये ओपन एजुकेशन स्कूल है, हम लोग 4 साल से मुंबई में ओपन एजुकेशन चला रहे हैं जिसमें पुलिया के नीचे के बच्चे हैं, सिग्नल के बच्चे हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे हम लोग पढ़ाई का काम करते हैं। कौन से एनजीओ आपकी जो है? स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्था है ये, और अभी शबाना फाउंडेशन ये हमारे साथ में टाइप हो चुके हैं और हम पैरेलल में ये काम कर रहे हैं। अभी किस तरह के बच्चों को आप यहाँ पढ़ाएंगे? यहाँ पे जिन बच्चों को जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आता है, उन बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाने का काम। ऐसा आपको ऐसा कुछ विचार है आगे भी ऐसा कुछ खोलेंगे? नहीं, इन बच्चों को हम लोग आगे में स्कूल में दाखिल करने वाले हैं और जैसे उनमें जो भी पोटेंशियल कुछ चीज है यानी देश का नागरिक, अच्छा नागरिक बच्चे लोग बनना चाहिए, यही हमारा ये एक विचारधारा है और इसमें हम लोग आगे जा रहे हैं।